Thank you very much indeed. और अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूँ एक ऐसे व्यक्ति को जिसने 700 ब्लॉकबस्टर गाने गाए हैं, 115 फिल्में हैं, लाइव शोज जो किए हैं उन्होंने वर्ल्ड वाइड, 13 सुपरहिट रियलिटी शोज हैं, 10 फिल्मों में एक्टिंग की है और ये लिस्ट चलती रह सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी उपलब्धियाँ मैं ना गिनाऊँ, वो खुद गा करके अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएं। सुपरहिट सिंगर एंड एक्टर हिमेश रेशमिया। It's an honor being here. Thank you so much. And मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ एक्चुअली, मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या बोलना चाहिए, बट मैं रियली एक्चुअली आप लोगों को थैंक यू कहने आया हूँ कि इतना प्यार आप लोगों ने तेरी मेरी कहानी को, या हैप्पी हाडी हीर को, रानू जी को, या मेरे इतने सारे गानों को दिया है। बस उसके लिए एक कलाकार की सच्चे दिल से दुआ है कि यहाँ आए हुए सभी शख्स या जो देख रहे हैं ये शो को, उनकी दुआ, उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि उनकी हर मनोकामना और दुआ ऊपर वाला कबूल करे। दैट्स इट। आई कैन ओनली प्रे फॉर ऑल ऑफ यू, आप लोगों की हर इच्छा ऊपर वाला कबूल करे। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, फॉर सो मच लव। आई मीन मेकिंग इट सच अ बिग, मेकिंग इट अ ग्लोबल हिट, तेरी मेरी कहानी। सो आई विल सिंग दैट फॉर यू। कभी उड़ती महक, कभी गीली फिजा, कभी पाक दुआ, कभी धूप कड़क, कभी छाओ नरम, कभी सर्द हवा, तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी, दिल की तुमसे है दीवानगी, तुमसे ही है मेरा जहां, तुमसे ही है ये जिंदगी। जाने ये तू, जाने ये दिल और जाने खुदा, जीना मेरा मुश्किल है होके तुमसे जुदा, मेरे दिल पे है तेरे निशान, तेरे बिना है अधूरा जहां, है यहां कोई तुमसा कहां। कभी उड़ती महक, कभी गीली फिजा, कभी पाक दुआ, कभी दूर हवा।
सारा दिन बीत जाए, सारी रात जगाए, बस ख्याल तुम्हारा लम्हा लम्हा तड़पाए। ये तड़प कह रही है मिट जाए फासले, ये तेरे मेरे दर में आने जो है सारे, तेरी मेरी बातों का हर लम्हा सबसे अनजाना, दो लफ्जों में ये बयाना हो पाए, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये तेरी मेरी कहानी। इसी मेजर मैं इससे पहले कि आप जाएं, इससे पहले कि आप स्टेज छोड़ के जाएं, आप इधर आइए। मैं एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूं आपको, क्या आपको वो कबूल है? जी जी सर बिल्कुल। ये तीन शब्द हैं यहां पर लिखे हुए हैं, अपने किसी भी गाने की धुन में ये तीन शब्द हो जाएं, बनेगा स्वस्थ इंडिया। खींच मेरी फोटो, तो द ट्यून इज मोड़ा शिकाना है, सुबह घर जाना है, तूने कैसा जादू है किया, टाइम नहीं गवाना है, जीने का बहाना है, टाइम नहीं गवाने का किया, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, बनेगा स्वस्थ इंडिया, बनेगा स्वस्थ इंडिया, बनेगा स्वस्थ इंडिया, हो बनेगा स्वस्थ इंडिया, बनेगा स्वस्थ इंडिया, बनेगा स्वस्थ इंडिया, हो तेरी अखियों का बार जैसे शेर का शिकार, तेरा हुस्न धुएदार जैसे जल का शिकार, तेरे प्यार का नशा कभी यार कभी पार, वहां था तेरा प्यार हुक्का बार, लेकिन अब नया फ्रेज होना चाहिए, तेरा प्यार प्यार प्यार, ओ मेरा प्यार प्यार प्यार, बनेगा स्वस्थ इंडिया, वन मोर, बनेगा प्यार प्यार, बनेगा स्वस्थ इंडिया, ओ मेरा प्यार प्यार प्यार, बनेगा स्वस्थ इंडिया, ओ विरहा की अग्नि में पल पल तपती है, अब तो सांसे तेरी माला जपती है, हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं, तेरे बिना, तेरे बिना जिंदगी का गुजारा सनम, हो जिंदगी का गुजारा सनम, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, हो जीवन अपना सारा सनम, more song specially dedicated to the biggest legend of the industry, Bachchan sir. Kehne ko saath apne ek duniya chalti hai, par chupke is dil mein tanhai palti hai, teri yaad तेरी याद साथ है,
तेरी साथ है। मैं जहां रहूं मैं कहीं नहीं हूं, तेरी याद साथ है। किसी से कहूं कि नहीं नहीं कहूं, ये जो दिल की बात है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। बस हिमेश जी, आपका जो संगीत है, प्लीज बैठिए। जैसे कि आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव नोटिस्ड, सडनली द ऑडियंस केम अलाइव, नॉट टू से दैट दे वर नॉट अलाइव, जस्ट आस्किंग, बट इट्स दैट्स द पावर ऑफ म्यूजिक, दैट्स द पावर ऑफ योर म्यूजिक। मैं आपसे हिमेश ये जानना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा ये इनिशिएटिव है स्वस्थ इंडिया, म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, देखिए सब लोगों को अपनी अपनी तरफ से जो कर सकते हैं, अमिताभ बच्चन यहाँ पर सुबह से हैं, डेटॉल अपनी भूमिका निभा रहा है, एनडीटीवी अपनी भूमिका निभा रहा है, ये निरंतर प्रयास संगीत में हर समय होते रहना चाहिए या नहीं? होता है ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन हर जो संगीतकार है उसको इसको अगले लेवल पर ले जाना चाहिए या नहीं? देखिए, मुझे लग रहा है कि हर इंसान को बेसिकली पॉपुलर कल्चर में लाना होना इसलिए चाहिए, बिकॉज अगर म्यूज़िक की हम बात करें तो बड़े से बड़े लेजेंड्स ने जो म्यूज़िक हमें दिया, जब भी हम अपने कोई सुकून का वक्त जब हम ढूंढते हैं तब हमें म्यूज़िक वो राहत देता है। हम वो म्यूज़िक सुन के कुछ पल के लिए एक एक अपने माइंड में एक मोमेंट बना लेते हैं और कुछ पल रिलैक्स कर देते हैं, जिससे अगेन हमें रिजुविनेशन का जो प्रोसेस होता है और हम नेक्स्ट लेवल पे वापस नेक्स्ट डे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो म्यूज़िक के ग्रेट लेजेंड्स जो उन्होंने हमें जो म्यूज़िक दिया, वो कहीं ना कहीं अपनी जर्नी में हमने देखा है कि फिटनेस की तरफ ध्यान न देकर थोड़े से वक्त से पहले चले गए। कई ऐसे लेजेंड्स हैं तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में ही नहीं, सब जगह अगर फिटनेस आएगा तो हम ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे तो हम ज़्यादा जी सकेंगे, अच्छी तरह जी सकेंगे, अच्छा काम कर सकेंगे और लोगों को इंस्पायर कर सकेंगे और अच्छा काम कर सकेंगे और इवेंचुअली अपने माँ बाप को खुश रख सकेंगे और उनके लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा काम कर सकेंगे, अपने देश के लिए अच्छा काम कर सकेंगे। सो इनडायरेक्टली आप अपने देश की सेवा कर रहे हो अच्छा स्वस्थ रहकर, अपने लिए, अपने म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। तो मेरी, मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, मुझे इतना समझ में आता है कि अपने माँ बाप का आशीर्वाद, माँ बाप के लिए सब कुछ करो, देश के लिए सब कुछ करो, अच्छी नीयत, अच्छी बरकत से काम करो और अच्छा काम करते जाओ। उससे ज़्यादा मुझे, मेरी अकल ही नहीं है ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा मैं, मुझे इतना समझ में आता है कि स्वस्थ इंडिया का जो ये मूवमेंट है ये वो सुपर्ब है बस। थैंक यू, ये संदेश अच्छा है कि स्वस्थ रहो, लंबा जियो और लंबे समय तक सर्व करो और कंट्रीब्यूट करो स्वस्थ इंडिया में कंप्लीटली। हर जो अच्छा काम आप जिसके लिए भी करना चाहते हो, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जिसके लिए भी, तो उसके लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। Okay, so we're going to stop here for a short break. When we come back, Mr. Lakshman, I think it'll be very important for all of us to know what is the road ahead, the vision ahead. Swachh has now become Swasth, but what's the road ahead? We're going to talk about this. This was a great transition idea to go from Swachh to Swasth. Good. So we'll talk about this. So we'll talk about it when we come back. Yes, sounds after the break. Himesh Reshamiya, thank you so much. A big round of applause for Himesh.
नमस्कार अमित जी. It can come from anywhere. Thank you so much. Thank you. मेरा आपसे ये सवाल, जैसे अभी खुद रानू जी ने कहा था कि वो मुकेश जी, लता जी, इन सब के गाने सुन सुन के उन्होंने सीखा है. एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट स्कूल वन कैन लर्न फ्रॉम. सो मेरा आपसे सवाल है कि लता जी ने हाल ही में कहा था दैट इमिटेशन हैज इट्स ओन रिस्ट्रिक्शन एंड इट्स नॉट अ ड्यूरेबल यू नो कंपेनियन टू सक्सेस. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, मुझे ऑलवेज ये लगता है कि कौन से कॉनोटेशन में लता जी ने ये बात एग्जैक्टली कही थी. मुझे ये लग रहा है कि वो यही है कि जैसे आज अगर कोई कोई बहुत ही, जैसे अरिजीत सिंह है, बहुत ही ग्रेट सिंगर है मेरे हिसाब से, और बिल्कुल उन्हीं की तरह अगर कोई गाने लगे सेम, तो जब अरिजीत जी हैं तो फिर वो क्या होता है, वो वर्क उतना नहीं करता है. लेकिन इवेंचुअली एक इंस्पिरेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. हर सिंगर ने इंस्पायर होके ही किया है. जैसे कुमार शानू जी हमेशा कहते हैं कि भाई किशोरदास से हम सभी इंस्पायर्ड रहते हैं ना कहीं जब मैंने हाई पिच सिंगिंग शुरू की तो लोगों ने नेजल सिंगिंग कही, बट कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सिंगिंग ऑलवेज नेजल ही थी और अब बहुत कॉमन हो गई है. तो इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी होती है कहीं ना कहीं कि आप कौन से जोन में आपके जो वोकल एम्पलीफायर्स होते हैं या जो आपके आपके रिफ्लेक्सेस आपके ब्रेन को क्या सिग्नल देते हैं कौन से जोन में जाने के लिए, बिकॉज इवेंचुअली इट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ अ सेकेंड दैट यू हैव टू पिक अप द नोट्स इन म्यूज़िक. अब जब ये बात है तो कहीं ना कहीं बॉर्न टैलेंट इनमें है और वो इंस्पायर ज़रूर हुई हैं लता जी से. बट वैसे भी लता जी जैसा लेजेंड तो कोई नहीं बन सकता, वो लेजेंड हैं, शी इज़ द बेस्ट. बट कहीं ना कहीं उनको एक इंस्पिरेशन मानकर जो मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपनी एक दास्तान लिखी है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है. तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि लता जी का जो लाइन थी वो ये थी कि भाई इंस्पायर हो जाओ. वो इंस्पायर वर्ड शायद उन्होंने उस किस तरह से, मुझे ये लग रहा है कि उस बात, उस लाइन का मीनिंग ये है कि इंस्पायर होना बहुत अच्छी बात है, स्ट्रेट कॉपी करना ज़रूरी नहीं है. तो इन्होंने वैसे भी कॉपी की नहीं है. दीपशिका जी, मेरा आपसे सवाल है कि व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू हर्ड रानू जी'स वॉइस, एंड कैन वी सी योर कोलैबोरेट, मतलब यू गाइस आर कोलैबोरेटिंग विद जैकीज म्यूजिक एल्बम, जो म्यूजिक लेबल उनके साथ. I think like all of us, I saw her first thing on WhatsApp and मैंने खुद बहुत जनों को forward किया है on Facebook and Instagram, and I think she has a beautiful voice. We're here to celebrate Ranuji, and you know there's so many talented people out there, but Himesh ji, thank you for giving her thank you so much a platform like this to showcase her talent. Is, of course, from the team yes, of Happy but, ID. You know, so to all of y'all for you know Umar ji, giving her. And she's a household name, and I think what's lovely is that the audience loves her and you know really want to see her sing. So as a woman, it gives me immense pleasure to be empowering in other women. About just Jackie's, we'd be honored to, you know, if for sure she has to. I mean, you know, main yahi kahunga ke definitely Atinder ji aur Tapanda ko aap log please contact kare. And they are going to definitely take Anuji to the next level.
और मैं अपनी तरफ से बहुत गाइड करने की कोशिश करूँगा उन्हें और सभी के साथ आई थिंक शी शुड कोलैबोरेट एंड डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ वो काम करेंगी तो उनका काम और आगे बढ़ेगा. ये तो बहुत ज़रूरी है. जैसे हम सब के साथ काम करते हैं तो वो तो डेफिनेटली शी हैज़ टू एंड आई एम श्योर जैकी हूज़ जस्ट स्टार्टेड हिज कंपनी एंड इज़ डूइंग सो वेल आई मीन ही इज़ गोइंग टू इवन टेक रानू जी वॉइस एंड ऑफकोर्स कुमार जी भी बहुत और अपॉर्चुनिटीज़ देंगे रानू जी को आई एम श्योर. Yeah, in fact, I was coming to Kumarji because Tips has always been a pioneer in, you know, introducing new talent. Kumarji, when HR came to you first, or ye idea aap se discuss hua tha, what was your first initial reaction about Ranuji? See, HR ki to humne music pe le li thi, and we really have big confidence in him. Ki he's really a hit machine, yes. Na, really. And aage bhi hum unke saath do teen aur picture bhi kar rahe. To jab unhone hume inka bataya, video dekha humne sab. तो आई सेड नो प्रॉब्लम ये बहुत अच्छा है माना वी शुड रियली डू दिस एंड वी शुड सपोर्ट आर्टिस्ट. हमने पहले भी हमारी टिप्स में भी बहुत सारे इवन इन फिल्म्स और म्यूज़िक वी ऑलवेज सपोर्ट न्यू टैलेंट. तो नया टैलेंट कहीं भी होता है तो वी शुड सपोर्ट 100%. एंड फिर हिमेश जी ने बोला कि मैं सेकेंड गाना कर रहा हूँ अदर एंड हमारे एक पुराना गाना है 36 चाइना टाउन इनकी म्यूज़िक है तो उसमें मैं वो भी रीडू करता हूँ इनके साथ. तो मैंने नहीं करो कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके साथ तीन चार गाने बना दो तो हम सपोर्ट करेंगे प्रमोट करेंगे अच्छी तरह से. तो वी आर बैकिंग हर नॉट अ प्रॉब्लम. एंड आपका ऑफकोर्स मीडिया वी नीड मीडिया सपोर्ट इन दिस तो आप जितना प्लीज सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज सपोर्ट कीजिए. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. जी थैंक यू. देखिए मेरी कैप वाली जर्नी में एक सच ये था कि अब क्या बोलूँ बाल उड़ गए थे तो ये था तो कैप लगा ली. उसके बाद आप लोगों ने हिट कर दिया फिर गाने तो गाने का म्यूज़िक में तो मैं था ही. उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट हो गया तो फिर सब बाल आ जाते हैं यहाँ पे. तो आजकल टेक्नोलॉजी में सब कुछ हो जाता है तो आप लोगों की यू नो उससे ये भी अच्छा हो गया. उसके बाद सोनिया मुझे हमेशा ये कहती थी कि भाई अगर तुम्हें एक्टर बनना है तो तुम्हें एक्टर लगना भी तो पड़ेगा कोशिश तो करनी पड़ेगी. और मेरी जर्नी बहुत ही अनकन्वेंशनल रही है. मेरी जर्नी कोई आई वॉज़ अ बॉर्न म्यूजिशियन और अ प्रोड्यूसर और अ सिंगर एंड देन एक रियलिटी शोज में मैं जज करने लगा एंड आप लोगों को एक पॉपुलैरिटी आ गई गाने बहुत सारे हिट हो गए सारे. बट एक कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आई विल बी एबल टू डिलीवर एज एन एक्टर और उसकी कोशिश मैंने शुरू की. बट अभी तो ये मेरी 10वीं फिल्म है तो फर्स्ट फिल्म से एक वर्डिक्ट आ जाता है कि भाई ये करना चाहिए. कुछ फिल्में चली कुछ नहीं चली लेकिन हर फिल्म में एक लेवल का मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करता गया. लेकिन मेन जहाँ पे बहुत बड़ा हाथ सोनिया का है उसमें क्योंकि उसने मुझे कहा कि फर्स्ट यू विल हैव टू गेट इनटू फिटनेस गेट इनटू वर्कशॉप्स गेट इनटू द राइट जोन वेयर यू कैन prove yourself as an actor. और कहीं ना कहीं इसीलिए जब एक्सपोज फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया इसका सीक्वल हम लोग कर रहे हैं उसके बाद 13 सुरूर आई जिसने मॉडरेट बिजनेस किया तो मुझे कभी अच्छे रिव्यूज़ कुछ लोगों से मिले कभी नहीं मिले. तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो क्यों क्योंकि वो एक्टर की जो दुनिया है वहाँ पर मैं सिर्फ शुरू हो रहा हूँ. लेकिन हैप्पी हार्डी हीर में 3 बजे जब आप फिल्म देखेंगे तो शायद आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने मेहनत की है और आपको एक बहुत इम्प्रूव्ड एक्टर मिलेगा. ये मैंने कोशिश की है जितना तो वो ट्रांसफॉर्मेशन में मैं सोनिया का बहुत बड़ा हाथ है. शी इज़ डन द स्क्रीन प्ले ऑल्सो फॉर द फिल्म और मेरे डैड का भी बहुत बड़ा हाथ है हर चीज़ में क्योंकि मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है कि वो मुझे सिर्फ पॉजिटिव बातें कहता है. दे टेल मी कि भाई व्हाई डू यू वांट टू बी एन एक्टर. So if you want to be an actor, then you have to do a great job and then compete with the best.
And I have tried to do that in Happy Hardy here. Success, non-success, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने एक बहुत अच्छा product बनाया, जो 3 बजे, I'm proud of the product in terms of the aesthetics, the sensibilities of the film. And trust me, बस वो एक Friday की ज़रूरत होती है हर actor को. वो एक Friday मुझे लगता है, कब मुझे मिलेगा, वो आप लोगों के. Wow. Let's. Yeah. Hello. Sir, center, Preeti. मुझे आप कह रहे हैं जी, देखिए नेपोटिज्म में मुझे लगता ही नहीं है कि नेपोटिज्म, या ये एक डिबेट, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है. इट्स लाइक कि मैं यहाँ से 6 देख रहा हूँ, आप उसको 9 देख रहे हैं. दोनों ही अपनी अपनी जगह पे राइट हो गया. तो नेपोटिज्म क्या है, अगर कोई सुपरस्टार है या कोई सुपरस्टार फैमिली है जिसने इतनी मेहनत की है, अब उसका अगर बच्चा इस फिल्म लाइन में आना चाहता है तो उसमें उसका इश्यू होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वो उस लाइन में अपनी कोशिश कर रहा है और उस वो जिस एक्सपेक्टेशंस के लेवल पे जो आता है. देखिए कहीं ना कहीं अगर मैंने हैप्पी हार्डी हीर में अच्छा परफॉर्म किया, सिर्फ अच्छा, तो आप उसे ब्लॉकबस्टर दे देंगे. क्यों? क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस लो हैं. लेकिन अगर एक बहुत बड़ी फैमिली से एक सुपरस्टार एक्टर का बेटा अगर परफॉर्म करता है और वो मुझसे 10 गुना बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं परफॉर्म करता जैसे उसका बाप परफॉर्म करता है या उसके डैड परफॉर्म करते हैं, उसकी फैमिली ने परफॉर्म किया है, तो आप उसे वो ही चीज़ को कंपैरिजन में या एक्सपेक्टेशंस में उतनी शायद उसे वैल्यू नहीं देंगे. तो नेपोटिज्म वाले जो बच्चे हैं वो एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं. लेकिन फर्स्ट प्लेटफॉर्म डेफिनेटली उन्हें बहुत जल्दी मिल जाता है, जिसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए. बट दूसरी तरफ जो एक नॉन फिल्म फैमिली में से आते हैं सक्सेसफुल बनने के लिए, मुझे लगता है, मुझे पर्सनली ये रियली लगता है कि उनके साथ जहाँ पर बहुत मेहनत जुड़ी हुई है, एक चीज़ और जुड़ी हुई है, एक्सपेक्टेशंस बहुत लो है. और उस एक्सपेक्टेशंस की वजह से, लो एक्सपेक्टेशंस की वजह से उससे सक्सेस मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं. और हमारी इंडस्ट्री में दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर डूइंग सो वेल. सुपरस्टार्स के बच्चे भी सुपरस्टार्स हैं और बाहर से आया हुआ टैलेंट भी सुपरस्टार्स हैं. तो वही ब्यूटी है हमारी इंडस्ट्री की और आप लोगों की, कि आप फाइनली ऑडियंस, जैसे कहते हैं ना कि जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, तो इवेंचुअली ऑडियंस का डिसीजन राइट ही होता है. तो वो मैंने देखा है कि नेपोटिज्म की डिबेट कर लो, इश्यू कर लो, बात कर लो, लेकिन ऑडियंस तो अपना करेक्ट सिलेक्शन कर ही लेती है. जब रणबीर कपूर की कोई बात होती है तो कोई नेपोटिज्म की क्या बात है, लेकिन उन्हें भी तो डेफिनेटली ही इज़ गॉट अ ब्रेक बिकॉज ही इज़ फ्रॉम सच अ बिग फैमिली. बट दैट डजंट मीन ही इज़ लेस टैलेंटेड, ही इज़ अ सुपरस्टार. एंड जो नए तरीके से आते हैं वो भी हमने देखा है कि कितने बड़े स्टार्स बनते हैं. सो आई थिंक इट जस्ट को एग्जिस्ट. दैट इज़ इट. उसमें क्यों नहीं, मैं मुझे कोई इश्यू ही नहीं है ना. अगर किसी को कुछ भी लगता है तो मुझे तो हर स्टेज पे अपने आप को प्रूव करना ही है ना. आज इतने सालों से इतने हिट गाने देने के बाद मुझे एक ट्यून और ऐसी बनानी ही पड़ेगी जो उन ट्यून से ऊपर है. और वो माने कितने हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग्स जो भी हिट हुए हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, उसके ऊपर जाना बहुत डिफिकल्ट है एज अ ट्यून. तो मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि भाई आई जस्ट प्रे टू गॉड कि वो ब्लेस मुझे वो ट्यून करेंगे, बिकॉज वो मुझसे बनती नहीं है, वो ऊपर वाले का आशीर्वाद है. मेरे डैड जो उसमें करेक्शन कर देते हैं, वो चीज़ों का बहुत बड़ा वो है. तो वो बन जाए, उसके बाद अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि भाई अरे हिमेश को भी एक्स्ट्रा नेम एंड फेम मिल रही है किसी चीज़ की, तो फाइन. उसमें मैं वो एंगल से सोच ही नहीं रहा हूँ. मेरा ये है कि मुझे मेरे पिछले काम से ऊपर जाना पड़ेगा. वो उस जाने के लिए अच्छी नीयत से जो भी मैं कर सकूंगा मैं करूंगा. थैंक यू सो मच. या मैम दे. हेलो सर, प्रीति सेंटर. या सर, आप म्यूजिक में तो सुपर हिट. या सेंटर. या सर, आप म्यूजिक में तो सुपर हिट मशीन रह चुके हैं और आपकी फिल्म भी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है.
सो आपके एक्टिंग के लिए भी मींस टारगेट कर रहे हैं कि सुपर हिट मशीन बनने की? कोशिश कर रहा हूँ, मैंने वही बोला ना, 3 बजे मैं एक प्रोडक्ट के, आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द फिल्म, और आपको एक ऐसी फिल्म मिलेगी जिसमें आप जो, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि ज़माना सिर्फ 3 बजे का है, कितनी भी हाइप फिल्म हो पर 3 बजे की बात है, तो 3 बजे द एक्टर हैज़ टू परफॉर्म, द लुक हैज़ टू बी राइट, द स्टोरी हैज़ टू बी राइट, द स्क्रीन प्ले हैज़ टू बी राइट, एवरीथिंग नीड्स टू बी राइट, बिकॉज आपका जो वर्ड ऑफ माउथ है वो आपके रात के 9 बजे की शो की टिकट कैंसिल करवा देगा या डबल करवा देगा. तो मैंने अपनी तरफ से मेहनत की है, आई एम होपिंग कि 3 बजे मैं आपके जो प्रोमोज में अगर नज़र आ रहा है और एक जो हाइप बन गई है पिक्चर की, वो उस पर आई कैन मैं खड़ा उतरू, यू नो, आई एम ट्राइंग. आई जस्ट लाइक टू से दैट हिमेश जी सच एन ऑनेस्ट एंड रियल पर्सन, एंड द फिल्म इज मेड विथ सो मच ऑनेस्टी, एंड यू विल सी दैट ऑन स्क्रीन, लाइक एवरी इमोशन इज सो रियल, इवन द वे रानू जी एंड एवरीथिंग दैट ही इज डन फॉर द फिल्म. आई थिंक इट्स आई वेर रियली लकी. Thank you so much, and thank you so much for being there with me. Yeah. And I really thank Kumarji and Vashuji, Jackie, everyone. They've really supported me for this film, and the whole team of Happy Hadir. The director Raka is here. He's just come late. He shouldn't be late on set, so he's come late. Just say hello. He's the director. He's turning director. Please bless him, because even he's the new talent. He's been a very good choreographer, and now he's turning director with this film. He's really worked very hard. And with me, he's really worked even harder to make me really presentable, and he's presented me very well. Thank you. We want to hear it from Sonia ji, because ek taraf screenplay writing of the film aur dusri taraf styling of Himesh. Take us through both the journeys. Where the screenplay writing is concerned, I think this is a very warm and an endearing love story. You know, we all believe in love, and we all like to be loved. So it is a very simple love story with some great romantic music, and that's about it. It's a simple love story where you'll come to the theaters and probably fall in love once again. So a lot of love happening in real life and being poured all into the script. Great. And the styling bit. Styling, I can say yes, the response to Himesh's look, you know, yep, has been very overwhelming. I know people calling me who have never called me to say that the film looks amazing. And you know, those teenagers, they call me up and say, oh, HR is looking snatched. So yeah, it feels nice. We've really worked hard. Because the trans, and you have to work really hard on me, because ek jo look hai, main wahi bol raha hu na, ek unconventional journey hai, usme har insaan mujh pe bahut mehnat kar raha hai, aur main sachmuch bahut aabhari hu Deep Shikha ji ka, Kumar ji ka, kyunki sab mujhe star banane ke liye jo koshish kar rahe hain against all odds, uske liye main apni taraf se koshish kar raha hu, aur aap logo ki duaen chahta hu. Thank you. Himesh sir, ek center yeah. sir, हिमेश जी, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने रानू मंडल जी को अपनी फिल्म में जो गाने का मौका दिया, क्योंकि बॉलीवुड की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, बड़े लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो लोग कहते हैं कि हम सिर्फ स्टार के बच्चों को ही स्टार बनाएंगे, लेकिन हिमेश रेशमिया ने एक साबित कर दिया कि वो ज़मीन से उठे हुए व्यक्ति को स्टार बना सकते हैं. तो इसके लिए मैं और मेरा परिवार पूरा आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं. थैंक यू सो मच. मैं आपसे सचमुच कह रहा हूँ कि कोई चीज़, ये सब चीज़ें प्लानिंग से हो नहीं सकती, और ये हो गया, और कहीं ना कहीं जो हुआ है ना, वो एक नियत में बरकत है, मेरे डैडी हमेशा मुझे कहते हैं. तो वो सबके यहाँ पर जो टीम मेम्बर्स हैं ना, जब से फिल्म बनी है, जो जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, जो इस टीम के पीछे भी रहे हैं, सब ने वही नियत बहुत साफ रखी है. कहीं ना कहीं एक सपोर्ट था ना. आज रानू जी को मैं अकेला तो नहीं लॉन्च कर सकता था. दीप शिखा जी हैं, कुमार जी हैं, डायरेक्टर हैं, आप पूरी जो यूनिट है, और सबसे ज़्यादा ऑडियंस है, मीडिया है, वो सब ने, मेरे अकेले करने से वो हो ही नहीं सकता था. इसलिए उसकी 0.1% भी क्रेडिट नहीं लेनी चाहिए. हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप लोगों ने रानू जी के लिए और इस फिल्म के लिए, इन गानों के लिए, जो रिलीज़ से पहले यूजुअली म्यूज़िक कभी हिट ही नहीं होता आजकल के ज़माने में, वो आप लोगों ने बनाया है, उसके लिए हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका. थैंक यू.
Ranu ji, aapse ek sawal karengi idhar left pe udhar. Hello. Hello. इतनी पॉपुलैरिटी आपको मिल गई है तो हिमेश जी ने तो आपको लॉन्च कर दिया, लेकिन और कोई प्रोड्यूसर या म्यूजिक डायरेक्टर ने और गाने ऑफर किए आपको क्या? अरे पूरे इंडस्ट्री से आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं कि भाई इनका नंबर दे दो, और मैंने बोला अतिंदर जी का नंबर दे रहा हूँ, अब अतिंदर जी जैसे रिएक्ट करेंगे और रानू जी जैसे चाहेंगे. सचमुच जेन्युइनली एवरीवन वांट्स टू वर्क विद रानू जी एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. अभी तक लेकिन किए कोई फिल्म साइन किए एज ए सिंगर? अभी हमने इन्हीं की फिल्म के लिए किया. अभी तो हमारे तीन गाने आ रहे हैं हैप्पी आरडी हीर में ही, और तीन गाने उनके आ रहे हैं, और तीनों गाने इससे बेटर गाए हैं इन्होंने. क्या गाए, और आशिकी भी जितना वायरल हो चुका है, वो आलाप तक आदत गाने का वायरल हो चुका है, आपने सुना ही है, उसमें रेंज और बेटर. तो बहुत डिफिकल्ट था यू नो, इतना हाइप हिट गाने के बाद उस नेक्स्ट लेवल का जो भी कोई गाना करोगे आप, तो उनकी आवाज़ उससे ऊपर लग रही है. और ये मेरा ओपिनियन नहीं है, आप सोशल मीडिया पे कहीं पे भी जाइए वही ओपिनियन है. रानू जी को तो आपने शो में देखा और लॉन्च कर दिया, अच्छी आवाज़ लगी तो. ऐसे और कई टैलेंटेड सिंगर्स है अपने देश में, तो उनके लिए आप सोचेंगे कि आके लाएंगे? 100% देखिए, लेकिन एक चीज़ हमेशा एक एक इंसान की अपनी जो लिमिटेशन है, मेरी लिमिटेशन वहाँ तक होगी कि मेरे पास जैसे एक स्क्रिप्ट किसी भी डायरेक्टर के पास या एक प्रोड्यूसर के पास होती है, उसके लिए उसे वो सही उस स्क्रिप्ट के मुताबिक एक्टर चाहिए. मुझे उस गाने के लिए अब जो कॉम्पोजिशंस मेरे पास हैं, अभी मैंने 700 नए गाने बनाए हैं, मैंने 700 दिए हैं, 700 मैं नए गाने लास्ट 3-4 साल में कर रहा हूँ कि बेस्ट गाने अब आप लोगों के सामने लाऊं, बेस्ट फिल्में 2 या 3 फिल्में एज एन एक्टर करूं, लेकिन ग्रेट करूं. इसीलिए मैंने 1-8 साल का ब्रेक लिया, तो मैं बहुत कम काम कर रहा हूं, लेकिन जो करना है अच्छा करना है. तो उन गानों में जो मैं अपने स्टॉक में लेता हूं कि भाई ये मैं अपने प्रोड्यूसर्स को सुना सकता हूं, अपनी म्यूज़िक कंपनीज को सुना सकता हूं, अगर उन गानों में वो आवाज़ हैंड इन ग्लव बैठ जाए, तो वो नया हो या स्टार वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो हैंड इन ग्लव बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी सुपरस्टार्स की आवाज़ करेक्ट लगती है. अगर उसमें जैसे बच्चन साहब के लिए अगर कोई रोल हो, तो वो बच्चन साहब ही कर सकते हैं, फिर आप उसमें न्यू कमर नहीं ले सकते. उसी तरह एक जो बहुत ही फ्रेश किस्म की लव स्टोरी होती है, तो उसमें आप डेफिनेटली एक लेजेंड के बारे में नहीं सोचकर आप यही सोचोगे कि एक फ्रेश वॉइस चाहिए. तो मेरे वो कॉम्पोजिशंस या जो मेरे गाने हैं या जो भी फिल्में हैं, वो डिमांड करेंगी. और वहाँ पर अगर कोई भी मौका मिला, तो मैं अपने आप से अपने दिल से कैरिड अवे होकर किसी स्टार के पीछे नहीं जाऊँगा. लेकिन अगर स्टार की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर वहाँ न्यू कमर नहीं हो सकता, वो कॉम्पोजिशन डिमांड करेगा कि उसे कहाँ जाना है. Do we have any more questions? There? Yeah, please. और मैं एक यहाँ पे हमारे शब्बीर भाई भी आ चुके हैं. शब्बीर भाई आइए स्टेज पे आइए. इन्होंने ये भी लेट लतीफ़ हैं, लिरिक्स भी लेट देते हैं कभी, लेकिन बहुत अच्छा लिखते हैं. इन्होंने मेरे साथ कितने हिट गाने लिए, इन्होंने लिरिक्स लिखे हैं भैया. और ये भी एक कन्वेंशनल राइटरों की फैमिली से ऐसे कुछ नहीं आते, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं, बहुत जानकार हैं, और इनके धमाल आइटम सॉन्ग्स लोगों को लगता है कि बहुत पॉपुलर है, बट एक्चुअली बॉडीगार्ड का तेरी मेरी भी उन्होंने लिखा था, और बहुत मीनिंगफुल लिरिक्स लिखते हैं ये. तेरी मेरी कहानी के भी लिरिक्स इन्होंने लिखे हैं, और बहुत अच्छे लिखे हैं. वाओ. और बाकी तो आइटम सॉन्ग्स में तो आपको पता ही है कि सारे जुम्मे की रात से लेकर, चलाओ ना नैनों से बांद्रे से लेकर, बद्रीनाथ से लेकर, और पता नहीं कितने गाने सब जो देते ही हिट पे, और आपका आंख मारे, सारे सारे हिट गाने रिक्रिएटेड भी यही करते हैं. तो आजकल बहुत फॉर्म में है, तो इनकी डेट लेनी पड़ती है, इसलिए लेट आए हैं. देखो हिमेश, मेरा सवाल आपसे ये है कि इससे पहले रानू को प्रोफेशनल गाने गाने की हैबिट नहीं थी, उन्होंने कोई प्रोफेशनल गाना नहीं गाया था. जब आपके साथ उन्होंने प्रोफेशनल गाना गाना शुरू किया, तो आपको उन्हें इस तरह के से सिखाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? देखिए, फर्स्ट गाने में ना थोड़ा सा टाइम लग रहा था, बिकॉज वो हेडफोन के साथ जो उनका कनेक्शन बन रहा था, तो वो एक नई बात थी, क्योंकि वो कुल के ऐसे गाती थी, तो वो माइक हेडफोन में हमें जो उनको ट्रैक देना पड़ता है, और वो ट्रैक के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं आदमी एक अलग दुनिया में जाके वो एक नया एक्सपीरियंस होता है. तो वो पहले गाने में थोड़ा टाइम लगा, दूसरे गाने में और कम टाइम लगा, तीसरे में बिल्कुल नहीं लगा, और चौथा गाना तो आप सोच ही नहीं सकते कि वो यूं हो गया. और उसके बाद मुझे एक करेक्शन करना था, तो उस डबिंग में तो मुझे जाना ही नहीं पड़ा, मेरे रिकॉर्डिस्ट के पास ही मैंने इनको भेज दिया, इन्होंने कर दिया, मुझे भेज दिया, डाउन, आउटस्टैंडिंग. वो प्रोफेशनल सिंगर हो गई है अभी तो भाई, कमाल हो गया. रानू जी,
आज आप हमारे बीच में हैं तो कुछ लाइव अगर हमें गा के सुनाएं, आई थिंक सब सुनना चाहेंगे कुछ. जी जी सुना दीजिए, तेरी मेरी का एक लाइन सुनाई दीजिए. क्या बात है, हो जाए. तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी कहानी. सुर भी नहीं लिया हुआ है, सुर ले लेना चाहिए. और यही होता है कि एक बेबाक सिंगर जो होता है वो ऐसे, अदरवाइज मैं अभी उनको सुर देने वाला था अपने फ़ोन में से, उससे पहले वो हो गई. और अगर सुर के साथ लेती तो और अच्छा लगता. जी हिमेश, एक सवाल. HR, we should have something from you. Yes, yes, yes. ये गाना डुएट है ना? हाँ जी. एक मिनट, I'll just. It doesn't have a mic. HR का ले लो. एक सेकंड. हाँ, let this happen. तुमसे ही. तुमसे ही है आपको वो रिकॉर्डिंग का एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि हमने रिकॉर्ड कैसे किया. अब आप देखिए सुर, ये है सुर. तेरी मेरी कहानी. अब यहाँ पर ना वो माइक है, ना रिवर्ब है, ना कुछ है, लेकिन और एक डरी हुई आवाज़ है. आप लोगों के सामने वो पहली बार मिल रही है, इस पर कोई जज मत कीजिएगा. इन्होंने, आपने इनका वायरल वीडियो देखा हुआ है. ट्रस्ट मी दैट शी इज रियली वेरी वेरी गुड. और कभी उड़ती महक, कभी गीली फिजा, कभी पाक दुआ, कभी धूप कड़क, कभी छांव नरम, कभी सर्द हवा. तेरी मेरी कहानी. Everybody out there, let's convert this beautiful press conference into a nightclub. What say? Teri meri. Everybody, teri meri kahani. One more time. Teri meri kahani. Thank you very much. Woo! Thank you so much everyone for being here. Bless the song, bless the film, bless everybody who's here at the panel. HR, your last words before we wind up. Thank you very much, and please aap inhe bless kijiye. Inki awaaz itni divine hai ki aapko bas ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है रानू जी के लिए कि भाई उनकी आवाज़ को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए. इन्हें सपोर्ट कीजिए, इन्हें प्यार दीजिए. हैप्पी हार्डी हीर को प्यार दीजिए. हम सबके लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. आई थिंक HR, जस्ट अ सेकंड, वी हैव अ, आई थिंक बहुत अच्छा फोटो होगा इफ यू गेट द स्टैंड हियर एंड रानू जी एंड HR ऑन द माइक. सो प्लीज ज्वाइन दीपशिका जी. ये स्टैंड नीचे रख दो तो हाइट मैच करेगा. या
वाले ग्रुप माइक माइक है ना रानू जी एचआर आप एक फोटोग्राफ देन आप दोनों का एक फोटोग्राफ विद द माइक फोटो करना द फोटोग्राफर्स वांटेड विद द माइक भाई तू माइक का अरे का लेके पीछे देखो ना अच्छा माइक क्या हो गया माइक चाहिए आप नहीं सिर्फ माइक चाहिए माइक हटा दो यार ये माइक अच्छा हां तो हां तो माइक करो तो माइक करो थोड़ा हिमेश के लिए तो साथ साथ या और दिस वन थोड़ा हाइट करो माइक को हाइट करो वो माइक को है नहीं नहीं वो इसको ऐड होएगा थोड़ा माइक वाले को थोड़ा बाहर है माइक वाले को बोलना हाइट करने को हां ये नहीं ये बराबर ये परफेक्ट है ऑलरेडी फोटो के लिए उनको चाहिए वो गा रही है इसका मैं गाया तो अभी वो बोला गया अभी रुक लो हिमेश भाई यार रुक ये माइक को हाइट चाहिए ना मैं बराबर है नहीं बराबर है बराबर है थोड़ा लाइट छोड़ो लाइट छोड़ो ए मारो इधर आ प्रकाश आज उसका माइक तो नहीं के पर माइक है मानसी अरे माइक ला हाइट नको एक है इधर को चंदन को इधर लेके कौन सर चंदन को कौन सर बोलो हां चंदन रानू जी लेफ्ट में यहाँ पे लाइट 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 नीचे बैठ सोलो सोलो अरे मानसी निकल ना फोटो मारू मारू किधर है यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन से पापा को मारू पापा का नंबर है ना फोन कर यहाँ पे एक तरफ थोड़ा हसी और रानू जी आप इधर आइए